बोलिए देवाधिदेव महादेव की। भक्तों, भोलेनाथ सत्य हैं, भोलेनाथ ही शिव हैं और भोलेनाथ ही सुंदर हैं। भोले शंकर ही आदि हैं और भोले शंकर ही अंत। ऐसे भोले हैं मेरे भोले बाबा, जो मात्र सच्ची श्रद्धा सच्चे भाव के साथ अर्पित किए गए एक लोटा गंगा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं जो प्राणी भगवान शिव के पावन सोमवार के व्रत रखता है, उन्हें श्रद्धा से गंगा जल व बेल पत्री इत्यादि अर्पित करता है और सायंकाल सोमवार की व्रत कथा का श्रवण कर एक समय फलाहार कर भगवान शिव का प्रसाद प्राप्त करता है, वह प्राणी जीवन के समस्त सुख भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। तो आइए सुनते हैं भगवान शिव के पावन सोमवार व्रत की पावन कथा। एक बार फिर बोलिए देवाधिदेव महादेव की। पावन सोमवार व्रत गाथा श्रद्धा से जो सुनता सुनाता हो कल्याण जी, पाता है शिव से वरदान जी। भक्ति में तन मन रंग लो, भक्तों नमः शिवाय सुमिर लो शिव नाम जी, पाता है शिव से वरदान जी। सोमवार पावन व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। किसी नगर में एक साहूकार सेठ अपनी धर्म पत्नी के साथ रहता था। जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु एक ही दुख था उन्हें कि उनके कोई संतान नहीं थी। दोनों प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का व्रत करते, उन्हें गंगा जल बेल पत्री इत्यादि अर्पित करते, सायंकाल पूजन आरती कर फल प्रसाद ग्रहण करते और कातर स्वर में भोलेनाथ से प्रार्थना करते कि भगवान जीवन में सब कुछ दिया है परंतु एक पुत्र की कमी है, प्रभु कृपा करो, दीनानाथ दया करो। समय व्यतीत होता गया भक्तों, एक एक कर 16 सोमवार व्यतीत हो गए और 16वें सोमवार के व्रत के पश्चात जब दोनों की मुराद पूर्ण नहीं हुई तो वो रो रो कर भगवान शिव से ये प्रार्थना करने लगे। भागीरथ को गंगा दे दी और रावण ने लंका पाई, हमरी बारी भोले बाबा क्यों कर तुमने देर लगाई, खाली गोद है बाबा हमारी कृपा हो जाए तुम्हारी दो संतान जी, दर पे खड़े हैं खाली हाथ जी। सोमवार व्रत गाथा श्रद्धा से जो सुनता सुनाता हो कल्याण जी, पाता है शिव से वरदान जी। करुण पुकार माता पार्वती से सुनी नहीं गई भक्तों, वो भोलेनाथ से बोली स्वामी आपके दर से आज तक कोई भक्त खाली नहीं लौटा, तो फिर क्यों आप इन्हें संतान का वरदान नहीं दे देते। भोलेनाथ बोले प्रिय प्रा
आदमी अपने कर्मों के अनुसार ही निश्चित फल प्राप्त करता है। इनके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार इस जन्म में इन्हें संतान का सुख नहीं है। परंतु माँ गौरा ने एक नहीं मानी भक्तों, वो भगवान शिव से बोली, प्रभु इन्होंने अपनी पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ आपके 16 सोमवार के व्रत रखे हैं, फिर भला इन्हें मन इच्छित वरदान क्यों नहीं मिलेगा? इन्हें तत्काल संतान का सुख प्रदान कीजिए प्रभु। माता की हट के आगे भगवान शिव टिक नहीं पाए भक्तों, और भगवान शिव ने सेठ सेठानी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। परंतु पार्वती से यह भी कहा, सुनो गौरा, इस बालक की आयु 12 वर्ष की है, ज्यों ही ये 12 वर्ष का होगा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह बात सेठ सेठानी ने भी सुन ली थी, फिर भी दोनों ने सोचा 12 वर्ष पश्चात जो होगा सो होगा, अभी 11 वर्ष तो सुख से बिताते हैं। ये सोचकर दोनों पुत्र प्राप्ति की प्रतीक्षा करने लगे। सुंदर बालक गोद में आया, माँ बाबा ने लाड लड़ाया, मिलकर शिव की भक्ति करते हर पल शिव का नाम सुमिरते। 11 वर्ष हो गए पूरन, चिंतित हो गया उनका तन मन, हुए बेहाल जी, मामा को बुलाया तत्काल जी, पावन सोमवार व्रत गाथा, श्रद्धा से जो सुनता सुनाता हो कल्याण जी, पाता है शिव से वरदान जी, देखते देखते दोनों का पुत्र 11 वर्ष का हो गया। भक्तों 11 वर्ष का होते ही दोनों ने अपने पुत्र के मामा को बुलवाया, उसे ढेर सारा धन देकर ये समझाया कि आज से पूरे 1 वर्ष तक अब तुम दोनों मामा भांजे तीर्थाटन करोगे, हर तीर्थ पर यज्ञ हवन करते जाना, भगवान शिव के नाम के भंडारे करवाते जाना, और सदा भगवान शिव का अत्यंत प्रिय महामृत्युंजय मंत्र का पाठ भी करते जाना, और जिस दिन इसका 12वां जन्मदिन हो ध्यान रखना उस दिन तुम काशी विश्वनाथ मंदिर में होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रहे। ढेर सारा धन धान्य लेकर दोनों मामा भांजा तीर्थाटन को निकल पड़े। तीर्थाटन वो करते जाते यज्ञ हवन में ध्यान लगाते, महामृत्युंजय जाप वो करते शिव के नाम को रहते सुमिरते। लगभग वर्ष था बीता, पढ़ते रामायण और गीता सुबह शाम जी, आ गए काशी वाले धाम जी, पावन सोमवार व्रत गाथा, श्रद्धा से जो सुनता सुनाता हो कल्याण जी, पाता है शिव से वरदान जी। भक्तों
बालक के 12वें जन्मदिन की घड़ी भी आ गई। अब उसे 12 वर्ष का होने में मात्र एक रात्रि बची थी। भक्तों, माता पिता के वचनानुसार वो दोनों काशी के धाम में थे। दोनों मामा भांजे पूरी रात यज्ञ हवन करते रहे, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहे, भगवान भोलेनाथ के नाम के अटूट भंडारे करवाते रहे। परंतु जैसे जैसे सूर्योदय की बेला आने लगी, सेठ सेठानी के पुत्र की तबीयत बिगड़ने लगी और ज्यों ही सूर्योदय हुआ, भांजे ने अपने प्राण त्याग दिए। मामा जोर जोर से विलाप कर भगवान शिव को पुकारता था और इधर उसका रुदन माँ गौरा के कानों में पड़ा। माँ शिव जी से बोली, प्रभु ये व्यक्ति इतना कातर स्वर में क्यों रो रहा है? इसका रुदन मुझसे सहन नहीं हो रहा, आप कृपा कर इसे दर्श दीजिए और इसके कष्टों को दूर भगाइए। भोले बाबा ने माँ पार्वती को बताया, हे प्रिये, ये वही बालक है जिसे मैंने वरदान स्वरूप सेठ सेठानी को दिया था। आज यह 12 वर्ष का पूर्ण हो गया है और मेरे कथनानुसार इसकी मृत्यु भी हो गई है। इस पर माँ पार्वती बोली, भगवन ये बालक पूरे 1 वर्ष तक यज्ञ हवन दान पुण्य करता रहा, आपका अति हितकारी महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करता रहा, तो फिर भला इसकी अकाल मृत्यु कैसे हो सकती है? यदि ऐसा हो गया प्रभु, तो आपकी भक्ति पर से भक्तों का विश्वास उठ जाएगा, इसलिए बिना विलंब किए इस बालक को जीवन दान दें। एक बार फिर भोले बाबा माँ गौरा की हट के आगे हार गए भक्तों और बालक को जीवन दान दे दिया। शिव ही जाने शिव की माया, शिव महिमा कोई जान न पाया। जीवन दान दिया बालक को, उठ बालक ने नाम को गाया। जय हो शिव शंकर त्रिपुरारी, तुम भोले बाबा भंडारी, दीनानाथ रे तेरे होते कोई ना अनाथ रे। पावन सोमवार व्रत गाथा, श्रद्धा से जो सुनता सुनाता, हो कल्याण जी पाता है शिव से वरदान जी। और उधर सेठ सेठानी जो अब तक अश्रुओं की धार में डूबे हुए थे, जब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके पुत्र को जीवन दान मिल गया है, तो मारे प्रसन्नता के फूले न समाए, दौड़कर भगवान शिव के चरणों में गिर गए और श्रद्धा भाव से शिव का गुणगान करने लगे। इधर दोनों मामा भांजा नगर में वापस आ गए। अब सारा परिवार मिलकर भगवान शिव की भक्ति करता, सोमवार का व्रत बड़े विधि पूर्वक करता, भगवान शिव को जलाभिषेक देता, सायंकाल पूजन आरती कर फलाहार करके शिव के प्रसाद को ग्रहण करता। तो देखा आपने भक्तों, जिस प्रकार सोमवार के पावन व्रत रखने से सेठ सेठानी की हर मनोकामना पूर्ण हुई, वैसे ही यदि कोई प्राणी इस घनघोर कलयुग में भगवान शिव के पवित्र सोमवार के व्रत करता है, उन्हें जलांजलि अर्पित करता है, उनका गुणगान करता है, वो प्राणी जीवन में समस्त सुख भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। तो एक बार फिर पूरी श्रद्धा भाव से मेरे साथ बोलिए, बोलिए शंकर भगवान की।
पावन हो जाता है तन मन, आ जाता जीवन में सावन हो कल्याण रे, पाता है शिव से वरदान रे, सोमवार व्रत गाथा श्रद्धा से जो सुनता सुनाता हो कल्याण रे, पाता है शिव से वरदान रे।